जय बोलो देवादिदेव एकादशराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज गुणायतन प्रणेता मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारे मन में नित प्रति कुछ न कुछ इच्छा प्रकट होते रहती है। मन में पनपने वाली ये इच्छा या वांछा हमें असहज बनाती है। जब भी मन में कोई इच्छा प्रकट होती है, हम उसे पूर्ण करने के लिए आतुर हो उठते हैं, और जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती, हमारी आतुरता बढ़ते जाती है, और पूर्ण हो जाने के बाद हमारे मन में दूसरी इच्छा स्थान बना लेती है। हम उसे पूरी करने का प्रयास करते हैं, जब तक पूर्ण ना हो परेशान होते हैं, और पूर्ण होते ही फिर तीसरी इच्छा अपना स्थान बना लेती है। ये हमारे मन में पलने वाली इच्छाओं की परिणति है, और जिसके हृदय में जितनी प्रबल इच्छा आकांक्षा है वो उतना अधिक परेशान है, और जिसके मन में जितनी वांछा की कमी है वो उतना निश्चिंत। धर्म की साधना अध्यात्म की साधना है जो कहती है कि अपने अंदर की आकांक्षाओं को मंद करो और यथार्थ देखा जाए तो आकांक्षाओं से ऊपर उठो, क्योंकि जब तक आकांक्षा है तब तक बंध है, और जब तक बंध है तब तक द्वंद्व है। आकांक्षा के मुक्त होने पर ही आनंद है। आज बात सम्यक दर्शन के दूसरे अंग की है। पहले हम आचार्य कुंद के शब्दों को देखें, फिर आगे की बात करें। जोदुन करे दिकंखम चेदा, जोदुन करे दिकंखम कम फले सूय सब धम्मेशु, सो निकंखो चेदा सम्मादिठी मुने अब्बो। जो चेतना, जो चेतन आत्मा कम्म फलेशु, कर्म के फलों में कोई कांक्षा नहीं रखता, और सब धम्मेशु, जगत के समस्त धर्मों में जिसकी कोई कांक्षा नहीं है, वही निष्कांक्षित अंग का धनी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। निष्कांक्षा शब्द ही अपने आप में अपना अर्थ को प्रकट कर रहा है। जिसके मन की कांक्षाएं निकल गई वो निष्कांक्षित, जिसके मन में कोई चाह नहीं वो निष्कांक्षित। अब आप सब लोग बड़ी दुविधा में फंस गए होंगे कि महाराज हमारे हृदय में तो चाह की बाढ़ है, फिर तो हमारा सम्यक दृष्टियों में कोई स्थान ही नहीं होगा, है ना? हमारे अंदर सम्यक दृष्टियों में कोई स्थान ही नहीं होगा। अगर इस दृष्टि से देखें तो जब तक हमारे अंदर कांक्षा है तब तक हम संसारी हैं, हमें सम्यक तो नहीं है। लेकिन ये अलग अलग भूमिका की दृष्टि से बात कही गई। जो परम योगी होते हैं वो पूर्णतः निष्कांक्ष होते हैं, पर कदाचित तुम पूरी तरह निष्कांक्ष न हो पाओ, तो दो बातें कही, कम्म फलेशु और सब धम्मेशु। कर्म फलों की वांछा मत करो। पहले चरण में तो ऐसा कर सकते हो,
पूरी तरह सर्व धर्म में तुम आकांक्षा रहित तो हो सको, वो तो तब होगा जब तुम अपने में डूब जाओगे। लेकिन जब व्यवहार में आओगे तो तुम्हारे मन में आकांक्षाएं उत्पन्न होती है और वो तुम्हें परेशान करती है। आज की चार बातें हैं, आकांक्षा, अनाकांक्षा, भोगाकांक्षा और दुराकांक्षा। एक और आकांक्षा, एक और अनाकांक्षा है और बीच में भोगाकांक्षा और दुराकांक्षा है। तुम्हारे मन में आकांक्षाएं हो रहेगा। सम्यक दृष्टि के अंदर भूमि का अनुरूप आकांक्षा होती है। अभी मैं आपको जो सुना रहा हूं, प्रवचन कर रहा हूं, कांक्षा मुक्त होकर नहीं आया। मैं भी किसी आकांक्षा से भर करके आपको उपदेश देने आया हूं। मेरे मन में क्या आकांक्षा है? एक ही आकांक्षा, आप सबका अज्ञान दूर हो जाए, आपके हृदय में धर्म की ज्योत जल जाए, सबके जीवन का कल्याण हो जाए, ये मेरी आकांक्षा है। इस आकांक्षा से प्रेरित होकर ही मैं रोज आपको उपदेश सुनाता हूं। और मैं ही क्या, आचार्य कुंदकुंद ने जो समय साल लिखा, ये गाथा लिखी, क्यों कर लिखी? भब्बजन बोहनट्ठम, भव्य जीवों को बोधि की प्राप्ति हो जाए, भव्य जीवों को ज्ञान हो जाए, इस भाव से उन्होंने ये ग्रंथ सजा, है ना? तो आकांक्षा तो उनके अंदर भी थी। तय है जब तक प्रवृत्ति है तब तक आकांक्षा है। आकांक्षा से मुक्त कोई प्रवृत्ति नहीं होती। प्रवृत्ति इच्छा पूर्वक होती है और इच्छा पूर्वक होने वाली प्रवृत्ति ही आकांक्षा है। वो हमारे तुम्हारे सबके जीवन में होगी। योगी जन भी जब प्रवृत्ति में जीते हैं, आकांक्षा में जीते हैं। मैं कहूं तुम कोई आकांक्षा नहीं रखो तो आप कहोगे महाराज कैसे काम चलेगा, हम तो आपके पास आए हैं आकांक्षा से भरकर कि महाराज जी के पास जाएंगे, आज उपदेश सुनेंगे। महाराज अभी तक तो घर में टीवी के सामने सुनते थे, आज प्रत्यक्ष आपको सुनने का अवसर मिलेगा। बड़े दिन से ललक थी कि कब महाराज जी के चरणों में जाएं और उनका प्रत्यक्ष उपदेश सुने, इसी आकांक्षा से भर कर आए ना। अब महाराज आप तो हमारी हवा निकाल रहे हो, ये आकांक्षा ही नहीं रखो। नहीं, ये कहीं नहीं कहा जा रहा है कि तुम अपने मन में कोई आकांक्षा मत रखो, पर कह रहे हैं ठीक है आकांक्षा हो, सामान आकांक्षा हो, शुभाकांक्षा हो, भोगाकांक्षा ना हो, दुराकांक्षा ना हो। अनाकांक्षा में पहुंचना जब होगा तब होगा, अभी तुम्हारी भूमिका नहीं है। पर भोगाकांक्षा इससे बाहर हो, बचो। जो दुन करी दुकंखम कम फलेशु तह सव धम्मेशु, तो सर्वधर्म को छोड़ो कर्म फल में। क्या आकांक्षा, मेरे जीवन में खूब थाट बात बना रहे, मेरे जीवन में सुख संपन्नता बनी रहे, मेरे जीवन में भोग भोगों भोगों की साधना की साधनों की कोई कमी न रहे, मेरे जीवन में पुण्य वैभव बरसता रहे, ये आकांक्षा है ना। महाराज आशीर्वाद दो ऐसा ही पुण्य बना रहे, हाँ आता है ना? हकीकत है, ध्यान रखो। भोगाकांक्षा कतई अच्छी नहीं। आकांक्षा है, शुभाकांक्षा अच्छी है। भोगाकांक्षा अशुभ आकांक्षा है।
हे प्रभु मेरी बुद्धि निर्मल बनी रहे, हे प्रभु मेरी मति ठीक बनी रहे, हे प्रभु मेरी धर्म रुचि बनी रहे, हे प्रभु मेरी कर्तव्य निष्ठा बनी रहे, हे प्रभु जीवन में चाहे जैसी स्थितियां हो मेरे अंदर की स्थिरता बनी रहे। ये आकांक्षा है कि नहीं है? है ना? पर ये कौन सी आकांक्षा है? शुभाकांक्षा है। ये कौन सी आकांक्षा है? शुभाकांक्षा। इस आकांक्षा में कठिनाई नहीं, ये आकांक्षा हमारे लिए वैसे बेचैन नहीं बनाती, लेकिन मुझे खूब भोगोपभोग के साधन मिले, मुझे खूब धन पैसे की बौछार लग जाए, मैं दुनिया का सहंसा बन जाऊं, सारे लोक मेरे चरणों में न्योछावर हो जाए, ये कौन सी आकांक्षा है? भोगाकांक्षा। महाराज जी घर गृहस्थी में रहते हैं तो ये सब तो सोचना ही पड़ता है। आप कहते हैं ये सब बिल्कुल मत सोचो, तो महाराज कहाँ प्रैक्टिकल है, ये सब तो सोचना ही पड़ता है। सोचिए, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, पर अपने मन को टटोल कर देखिए कि जीवन की स्थिति अच्छी कब होती है, जब मन में कोई आकांक्षा पनपती होती है तब, या जब मन आकांक्षा मुक्त होता है तब। तो क्या चाहिए? आनंद, सहज तृप्ति। तो अपने आप को आकांक्षा से मुक्त रखने का अभ्यास करें, आकांक्षा मुक्त जीवन जीने के अभ्यासी बने। महाराज जी वो नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, भोगाकांक्षा की एक सीमा हो। देखो तुम्हारे मन की भोगाकांक्षा कैसी है, सीमित या अंतहीन? कैसी है? चलिए, आपको अपने जीवन के लिए क्या क्या चाहिए? चलो, जीवन के गुजारा के लिए धन पैसा चाहिए, चाहिए रखो, पर कितना कितना हा? कितने का कोई ठिकाना, कोई माप, कोई सीमा? सारे संसार का वैभव भी तुम्हारे पास आ जाए तो शायद तृप्ति ना हो। जिसके मन की आकांक्षाएं अंतहीन है वो पूरे जीवन दुखी रहता है। धन की जरूरत है, धन का अर्जन करो, पर कितना? जितने में तुम्हारा काम चल जाए उतना, जितना जरूरी है उतना। अरे दान देने के लिए भी कितना बोलो? कोई सोचे कि मैं अरबपति बनकर के मंदिर बनाऊं, तो भैया ऐसे ख्वाब देखने से तो मंदिर नहीं बनता। तुम्हारे पास जितना उतने में काम कर लो, अरब बतियों से भी ज्यादा लाभ तुम्हारे जीवन को मिलेगा। जो है उसको देखो, जितना जरूरी उसे देखो, बाकी ये सब अंतहीन दौर है जिसका कोई गंतव्य नहीं, जिसकी कोई मंजिल नहीं। देखना है भोगाकांक्षा कितनी। भोजन करना है ये भी जरूरी है, और महाराज बिना इच्छा के भोजन करने से तो पचेगा भी नहीं, रखो। भोजन करना है करो, पर कितना कैसा ये भी तो देखो।
भोजन करने की आकांक्षा क्षम्य है, स्वीकार्य है, लेकिन भोजन की आकांक्षा में होने वाले नखरे, तुम्हारी च्वाइस, ये तुम्हें कितना बेचैन करती है। भोजन तो आप भी करते हैं और भोजन साधु भी करता है, दोनों में एक रूपता होती है क्या? बोलो क्यों? हाँ, एक बार की बात, एक परिवार चौका लगाता तो कम से कम 100 आइटम चौके में, छोटी छोटी कटोरियों में इतना आइटम बनाए और पता नहीं कहाँ से टाइम लग जाए, 2-3 थाली, माने वो पूरा का पूरा अगर देखा जाए, हाँ वो रेस्टोरेंट रहता समझ लो। हम लोग कभी उनके चौके में जाए तो थाली देखते ही नहीं, क्या हटाएं, कितना हटाएं, भाई उनको हटाएं तो भी मानेंगे नहीं, यहाँ तो अपना नियंत्रण है हाथ में, क्या लेना क्या नहीं लेना। एक दिन उनके पति देव आए, उन्होंने कहा महाराज जी 28 वर्ष हो गए शादी के, पर आज तक इसने ऐसा नहीं बनाया, 28 साल हो गए पर आज तक ऐसा बना के नहीं खिलाया। मालूम धर्मपत्नी ने क्या कहा? कल से पड़गाहन में आ जाओ, आपके लिए भी मिल जाएगा। बात समझने की है, तुम्हारी कांक्षा कैसी है पड़ताल उसकी हो। भोजन करो, मनोनुकूल भोजन की भावना कदाचित हो तो भी ठीक, लेकिन इसके बावजूद जब भोजन के लिए बैठो जो हो उसे अपने मन के अनुकूल बना लो तो उपलब्धि है। आप लोगों को क्या होता है, महाराज जी मन के प्रतिकूल सामग्री को अनुकूल बनाना तो दूर की बात, मनोनुकूल सामग्री में भी थोड़ी हीनाधिकता हो जाए, रोज की चाय आ रही है बढ़िया टेस्टी, लेकिन चाय थोड़ी ठंडी हो जाए तो दिमाग तुरंत गर्म हो जाता है। क्यों? ये क्यों? ये क्या है? ये दुर्बलता है ना। ये केवल उदाहरण है, पांचों इंद्रियों के विषयों की तरफ देखिए। एक आम व्यक्ति भोगों से मुक्त नहीं होता, लेकिन भोगों की प्रबल आकांक्षा से तो मुक्त हो सकता है। मैं उनके प्रति थोड़ी उदासीनता का भाव तो लाऊं। कर्म फल जन्य संयोगों को पर और नश्वर मानकर, उन्हें दुख का अभिवर्धक और पाप का बीज मानकर उनसे विरत होने का भाव तो रखूं। इन्हीं बातों को आचार्य समंत भद्र महाराज ने आप जैसे लोगों के लिए और स्पष्ट करते हुए लिखा, कर्म पर वसे शांते दुखैरंतरितोदय, पाप बीजे सुखे नास्था, श्रद्धाना कांक्षना स्मृता। तुम्हारी निष्कांक्षा क्या है? संसार के जितने भी सुख हैं उनको कर्माधीन मानो, शांत नश्वर मानो, नष्ट हो जाने वाला मानो, शांत होने वाला मानो, अंत होने वाला मानो। दुख ही अंतरित हो दिए, दुख से मिश्रित मानो, उसका अंत दुख रूप जानो, आकुलता ही सबसे बड़ा दुख है, और पाप बीज उसे पाप के बीज स्वरूप पहचानो। ऐसा जानकर इस सांसारिक सुखों के प्रति आस्था का अभाव होना, यानी उनमें उपादेय बुद्धि नहीं होना, उनके प्रति अंदर से रुचि मंद हो जाना, यही तुम्हारा निष्कांक्षपना है। लेकिन जिनको उसमें ही रस आता है
उसके लिए निष्कांक्षितपन केवल बेमानी है। वो रात दिन उसी में लगा है और लगकर पा क्या रहा है, केवल दुख और आकुलता। सीमित कीजिए अपने आप को भोगाकांक्षा को मंद से मंदतर करने का अभ्यास बनाइए। भोगाकांक्षा तो फिर भी स्वीकार है, लेकिन इसके बाद की जो आकांक्षा है बड़ी भयानक, वो है दुराकांक्षा। दुराकांक्षा का मतलब क्या है? मैं पैसा कमाऊं, ये तुम्हारी आकांक्षा है जिसे भोगाकांक्षा के रूप में मैं स्वीकार लूंगा, लेकिन खूब पैसा कमाऊं और तुरंत कमाऊं, इंस्टेंट। ये क्या है? ये क्या है? दुराकांक्षा। और आज लोग इसी दुराकांक्षा के चक्रव्यूह में फंसकर अपना सर्वस्व विनष्ट कर रहे हैं। लोग बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं होड़ में, रातों रात लोग करोड़पति बनना चाहते हैं। नतीजा करोड़पति तो नहीं बनते, रोडपति जरूर बन जाते हैं। संत कहते एक एक करके हजार सीढ़ी चढ़ो, एक साथ सौ सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत करो। ये दुराकांक्षा के दुष्चक्र में फंसोगे तो निकल नहीं पाओगे। ये तो एक बार मनुष्य के मन में आकांक्षाएं पनपती है तो बस पनपती ही जाती है, पनपती ही जाती है, पनपती ही जाती है, उसका अंत नहीं होता। मकर जाल में ऐसा घुसता है निकल ही नहीं पाता। तो अपनी आकांक्षा को भोगाकांक्षा में, अगर है भी तो भोगाकांक्षा को मंद करने का पुरुषार्थ करो, उसे दुराकांक्षा में परिणित कभी मत होने दो। भोगाकांक्षा को मंद करे, उसे दुराकांक्षा में परिणत कभी ना होने दे, तब जीवन का आनंद है। देखते जाइए क्या होता है, कैसे भोगाकांक्षा दुराकांक्षा में बदल जाती है ना? देखो कैसे होता है। बेटे की शादी हो एक भाव है, पढ़ी लिखी लड़की हो एक भाव है, फिर सुंदर हो दूसरा भाव आ गया, घर का काम संभालने वाली हो, फिर खूब सारा पैसा लेके आने वाली हो, फिर जी हजूरी करने वाली हो। ये क्या है? उत्तरोत्तर चीजें बढ़ती जाती है। ये केवल मैंने एक उदाहरण के लिए दिया, ये बात सभी वृत्तियों में लेना। मेरा मानना है कि मनुष्य की धन की लालसा तो फिर भी मंद हो जाती है, पर काम भोग की लालसा अंतहीन होती है, और उस दुराकांक्षा का शिकार बनने वाला व्यक्ति अपना सर्वस्व नष्ट कर देता है। आए दिन जो आप लोग समाचार पढ़ते और सुनते हो, उसका नतीजा क्या है? कई ऐसे प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसमें अपने मन की पलने वाली दुराकांक्षाओं के कारण लोगों ने अपनी सारी मर्यादाओं को तार तार कर सर्वस्व नष्ट किया है। अगर आत्मसंयम हो, तत्व ज्ञान हो, तो ये चीजें सब शांत हो जाएगी। तो दुराकांक्षाएं मंद हो। और कभी कभी ये दुराकांक्षा कैसी उलझाती है। एक फकीर एक के घर गया, उसने उसका आतिथ्य किया, फकीर बड़ा प्रसन्न हुआ और जाते समय उसे अपना एक शंख दे दिया। बोला इस शंख को लो,
मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। ये दिव्य शंख है और इस शंख को फूंकना और तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। बस बहुत खुश हुआ। ऐसे भी उसकी कोई ज़्यादा इच्छा थी नहीं। कभी कोई जो थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती शंख को फूंकता चीज़ें मिल जाती। बहुत सुखी जीवन चल रहा था। एक दिन कोई दूसरा फकीर उसके घर आया। फकीर ने पूछा क्या करते हो? बोले कुछ नहीं है, बस घर है, आप जैसे साधु संतों की सेवा करता हूँ, 2 बीघा जमीन है उसको जोतता हूँ, अपना काम करता हूँ, बस। तुम खर्चा कैसे निकालते? बोले कुछ नहीं, आप जैसे गुरु ने मुझ पर कृपा की थी, एक शंख मुझे दिया और कहा था कि इसमें तुम जो मांगोगे वो मिलेगा, तो मेरी ज़्यादा ज़रूरतें नहीं हैं, जो भी ज़रूरतें होती हैं मैं मांग लेता हूँ, इस शंख से मुझे मिल जाता। उसने कहा देखो भाई, तुम्हारे शंख से भी ज़्यादा महिमाशाली शंख मेरे पास है, तुमने मेरी सेवा की तो मैं चाहता हूँ तुम पर मैं कुछ कृपा करूँ, तो एक काम करो, अपना शंख मुझे दे दो और मेरा शंख तुम ले लो। बोले क्यों, इससे क्या होगा? बोले इसमें तुम जो मांगोगे उससे डबल मिलेगा, अभी तक तो तुम जो मांगते थे वही मिलता था, अब तुम जो मांगोगे उससे डबल मिलेगा। अच्छा? बोले हाँ। बोले कैसे पता? बोले देख लो। उसने शंख फूंका और कहा मुझे एक कन्या दे दो। उसने कहा एक क्यों, 2 ले लो। फिर उसने कहा मुझे 100 रुपये दे दो। तो शंख ने कहा 100 क्यों, 200 ले लो। उसको यकीन हो गया ये तो और जादुई शंख है, जितना चाहते हैं उससे डबल देता है। उसने एक्सचेंज कर लिया, अपना शंख दे दिया और उस फकीर का शंख ले लिया। क्रम चल रहा था। एक दिन उसे कुछ ज़रूरत पड़ी, कहा मुझे एक गाय दे दो, दूध की कमी है। बोले एक नहीं 2 ले लो। बोले 2 ही दे दो। बोले 2 नहीं 4 ले लो। बोले 4 ही दे दो। बोले 4 नहीं 8 ले लो। बोले 8 ही दे दो। बोले 8 नहीं 16 ले लो। उसने कहा हद हो गई, दे कुछ नहीं रहा, आश्वासन सब दे रहा है, आश्वासन पूरा मिल रहा है, दे कुछ नहीं रहा है, बड़ा परेशान पछताया, इससे अच्छा मेरा वो शंख था कि जितना चाहता था उतना मिल तो जाता था, लेकिन यहां तो केवल आश्वासन है, एक नहीं 2 ले लो, एक नहीं 2 ले लो। बहुत परेशान हो गया, उस फकीर को ढूंढा वो कहां मिले। फिर एक फकीर मिला, उसने अपना शंख दिखाया। बोले क्या हो गया है, बोलता है देता कुछ नहीं। बोले ये ऐसे ही शंख है, ये ढपोर शंख है, ये बोलेगा देगा कुछ नहीं, समझ गए? तो तुम सबके पास वही ढपोर शंख है जिसे तुम फूंकते आ रहे हो, तुम्हारे अंदर की आकांक्षा, तुम्हारे मन की वासना, वो ढपोर शंख है जो केवल आश्वासन देता है, देता कुछ भी नहीं है, तुम्हारी भोगाकांक्षाओं को उत्तरोत्तर बढ़ाता है, शांत नहीं कर पाता। उसे शांत करने के लिए सचेष्ट होइए, उसे किसी भी स्थिति में बढ़ने मत दीजिए। तो भोगाकांक्षा को मंद करें और दुराकांक्षा से बचें। दुराकांक्षा महादुखदायी है, ये तो सेक्स चिल्ली जैसे ख्वाब दिखाते रहती है और व्यक्ति को कहीं का नहीं रहने देती। लोभ लालच के चक्रव्यूह में ऐसा फंसाती है कि फिर कुछ बचता ही नहीं। कभी भी ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म गेन को कभी मत देखना। अल्पकालिक हितों की पूर्ति करने के लिए लोग अपना दीर्घकालिक हित खंडित कर देते हैं, और ये मन की दुराकांक्षा ऐसा सब्ज बाग दिखाती है कि व्यक्ति उसमें बुरी तरह फंस जाता है। इसे बचे।
तब अनाकांक्षपना होगा। पर सवाल ये है महाराज, ये करें कैसे, है ना? भोगाकांक्षा को मंद करने के लिए और दुराकांक्षाओं से बचने के लिए क्या करें? अहम सवाल है। उसके लिए भी आज आपको सूत्र देता हूं, चार बातें ध्यान रखिए। आपकी न केवल भोगाकांक्षा मंद होगी, दुराकांक्षाओं से मुक्त होंगे, अपितु एक अवस्था में आप निष्कांक्ष हो जाएंगे। सबसे पहली बात, भोगों की असारता का विचार करो, उन्हें व्यर्थ और बेकार समझने लगो। कोई भी चीज हमें लुभावनी और आकर्षक तभी तक लगती है, दिखती है, जब तक हमें उसमें कुछ सार दिखाई पड़ता है। जब चीजें हमारे लिए अर्थहीन लगने लगती है तो चाहे उसमें कितनी भी चमक और दमक हो, हमारे मन में उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। भोगों की असारता का विचार किए बिना भोगाकांक्षा को मंद नहीं किया जा सकता। यह असार है, इनमें तृप्ति नहीं, तसल्ली नहीं। जैसे प्याज के छिलके को छिलते जाए, छिलते जाए, छिलते जाए, कुछ निकलता है क्या? मैंने अपने जीवन में भोगों को भोगा भोगा भोगा, लेकिन क्या हुआ? भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। यह असार है, यही इसकी असारता का प्रमाण है। यह हमारे अंदर की तृष्णा को बढ़ाने वाली है। दूसरी बात, असार है, तृष्णा भी वर्धक है। पूर्ति के प्रयत्नों से आकांक्षाएं मिटती नहीं, अपितु और अधिक बढ़ती है। अनुभव है, अपने अतीत की इच्छाओं की पड़ताल करके देखो, हमने एक को पूरा किया, उसके स्थान पर 10 आ गई। एक को पूरा किया और दूसरा स्थान 10 आ गई। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक है, टॉलस्टॉय की पंक्तियां। देयर आर टू ट्रेजेडीज इन आवर लाइफ, वन इज नॉट टू गेट योर हार्ट डिजायर, द अदर इज टू गेट इट। हमारे जीवन में एक साथ दो दुर्घटनाएं घटती है, एक वो कि जिसे हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती, और दूसरी वो कि वो मिल जाती। दुर्घटना है, जिसे हम चाहते वो नहीं मिलती और दूसरी कि वो मिल जाती। जिसे हम नहीं चाहते वो नहीं मिलती, तब तक पाने के लिए परेशान होते हैं, और जब मिल जाती है तो किसी और के लिए पागल हो जाते, उसे देखते ही नहीं। यही है ना कमी। ये तृष्णा भी वर्धक है, इनसे मन की तृष्णा और उत्तरोत्तर बढ़ती है। जैसे आग से आग को बुझाया नहीं जा सकता, ईंधन से अग्नि को शांत नहीं किया जा सकता, वैसे ही हम इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाओं को तृप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम उन्हें पूर्ण करने का जितना प्रयत्न करते हैं वो उतनी अधिक बढ़ती बढ़ती जाती है। तृष्णा को जितना तृप्त करे उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। अपने अतीत के अनुभवों को ध्यान में रखो, ये तृष्णा भी वर्धक है। ये बात बार 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 मन में विचारिए तो ये सब व्यर्थ दिखने लगेंगे कि भैया ये कोई काम की चीज नहीं है, ये फालतू है। मैं आपसे पूछता हूं, किसी चीज को आपने अपने घर में वर्षों से सहेज के रखा
और जिस दिन आपको ये लगता है बेकार की चीज है, उसे हटाते समय मन में किंचित भी खिन्नता या मन में दुख आता है? हाँ, नहीं, क्यों नहीं आता? ये काम की चीज, ये बेकार की चीज है, इसे अलग करो। तो जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि ये सब बेकार है, असार है, तृष्णा भी वर्धक है, तो मन में आकांक्षाएं कभी पनपेगी ही नहीं। तीसरी बात, आत्मा के स्वरूप का विचार करें, आत्मा के स्वरूप का विचार करें। मैं कौन हूं, मेरा क्या है? ये इंद्रियां मैं नहीं हूं, ये विषय मेरे नहीं है, मैं इन सब से परे हूं। ये भोग तो केवल मन की परिणति है, जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। मैं इन सब से परे शुद्ध चेतन आत्मा हूं, और मुझे उसे ही भजना है, उसकी ही सेवा करनी है, उसकी ही उपासना करनी है। जिस व्यक्ति के हृदय में आत्मज्ञान होता है, उसके मन में आत्मकल्याण की प्रबल तत्परता जन्मती है, और जिसके हृदय में आत्मकल्याण की तत्परता होती है, विषयों से वैराग अपने आप हो जाता है। कहते यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम। जिस पल तुम्हें अपने स्वरूप की पहचान हो जाएगी, उसी पल तुम्हें ये सब व्यर्थ दिखने लगेंगे, निस्सार प्रतीत होने लगेंगे, दुखदायी दिखने लगेंगे, तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा अपने आप बदल जाएगी। लेकिन अज्ञानी प्राणी अपने आत्मा के स्वरूप से अनभिज्ञ रहने के कारण जल विषयों में ही जंपापात करता रहता है, उसी में रचा पचा है, उसी में डूबता है, जन्म जन्म के अनुभवों को झुठलाते हुए लगा है सो लगा है। नहीं, ये मेरे आत्मा के स्वभाव नहीं है, पर है, निज पर का भेद विज्ञान करो, और हमेशा एक धारणा बनाओ कि मुझे निज को भजना है, पर को तजना है, मुझे निज से नाता रखना है, पर से नहीं। ये धारणा जिस पल मन में जग जाएगी, पर परिणति अपने आप मंद होने लगेगी, और तुम्हारी भोगों और विषयों की आकांक्षाएं फिर तुम पर हावी नहीं होगी। और चौथी बात, साधन और साध्य के अंतर को समझिए। क्या बोल रहा हूं? साधन और साध्य के अंतर को समझिए। धन वैभव और भोगो भोग की चीजें आम व्यक्ति के जीवन के निर्वाह के लिए कुछ अंशों में उपयोगी हो सकते हैं, आपकी गृहस्थी उसके बिना नहीं चलेगी, संतति भी नहीं चलेगी। एक सम्यक दृष्टि भी घर गृहस्थी में रहता है, घर गृहस्थी परिवार राजपाट सबका संचालन करता है, लेकिन उसकी दृष्टि में भिन्नता होती है। वो इन सब को जीवन निर्वाह का साधन मान करके चलता है, इन्हें साध्य नहीं बनने देता। आपके पास जो भी चीजें हैं, आप जिसका भी आलंबन ले रहे हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारी भोगाकांक्षा प्रबल ना हो या दुराकांक्षा ना बने, ये मान करके चलो ये साधन है, साध्य नहीं। मेरा लक्ष्य इनको प्राप्त करके इनमें मग्न होना नहीं, जीवन में काम चलाने के लिए इनका उपयोग करना है। मेरा लक्ष्य तो अपनी अंतरात्मा में डूबना है। कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदे, अच्छे से अच्छी गाड़ी खरीदे, गाड़ी आप लोग क्यों खरीदते हैं? इसलिए कि हमें कहीं आना जाना हो तो सुविधा हो। आपने लग्जरी गाड़ी खरीदी, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी खरीदी, और कोई व्यक्ति उस गाड़ी में ही बैठा रहे, उससे लेकर के कहीं आए जाए नहीं, तो उसको आप क्या बोलोगे? हाँ बोलो, अरे इतनी बढ़िया गाड़ी खरीदी, मर्सिडीज है। ठीक है, मर्सिडीज खरीदी है तो किसके लिए खरीदी, ये तो देख, तू गाड़ी में ही बैठा रहेगा,
तो तुम्हें तो पागल समझा जाएगा। हालांकि ऐसा पागलपन नहीं करते आप, कहने को कोई गाड़ी में नहीं बैठता, क्योंकि मालूम है गाड़ी तो साधन है, वो साध्य नहीं। गाड़ी हमने जिस प्रयोजन से ली है हमें उसकी पूर्ति करनी चाहिए। तो जैसा विचार आप गाड़ी के प्रति करते हो, वैसा ही विचार जीवन में जुड़े अन्य संसाधनों के प्रति भी होना चाहिए। ये केवल साधन है, साध्य नहीं। ये मेरे जीवन के लिए हैं, मेरा जीवन इनके लिए नहीं है। इतनी सी बात अंतस में अंकित हो जाए तो फिर ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अभी मन से पूछो, आप चीजों के लिए जी रहे हो या चीजों को अपने जीवन के लिए रखे हो? पड़ताल करके देखना। जो भी चीजें तुम्हारे साथ जुड़ी हैं, चाहे तुम्हारा धन पैसा हो या तुम्हारे भोग विलास के साधन, ऐसा लगता नहीं कि ये मेरे जीवन के निर्वाह के साधन है। ऐसा प्रतीत होता है मानो यही जीवन का साध्य बन गया है, और उसके पीछे अपने जीवन का सर्वस्व खोने के लिए भी लोग तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों के पीछे चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए की उक्ति चरितार्थ होती है। साधन और साध्य के इस बारीक अंतर को समझना चाहिए। वो होगा तो जीवन की दिशा बदलेगी, सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा और सब धन 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 हो जाएगा। वो अंतरंग में घटे और हम अपने जीवन को उच्च आदर्शों के साथ जोड़ सके, ऐसा पुरुषार्थ हो तब हम निष्कांक्ष होंगे। तो हम एक बात दिमाग में रखें कि एक सब कर्माधीन है, नष्ट हो जाने वाले हैं, पाप के बीज हैं और दुखदायी हैं। इनमें हमारी आस्था नहीं, देखने में लुभावने हैं पर परिणाम अच्छा नहीं। हम बचपन में एक मिठाई होती थी उसको हवा मिठाई कहते, सब आज हर बुंदेलखंड में गुड़िया के बाल कहते हैं, बाल किसी के नहीं खाना चाहिए। वो हवा मिठाई उसका नाम बहुत सार्थक है। देखने में कितनी बड़ी होती, इतनी बड़ी बड़ी लुभावनी है ना, उसको इतना कर देता बॉल की तरह और मुंह में डालो तो सब हवा। भैया जिसके पीछे तुम रात दिन परेशान रहो वो सब हवा मिठाई है, कब हवा हो जाए कोई पता नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि रखो, उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखो, उन्हें उपाधेय मत मानो। एक वनस्पति होती है अपामार्ग, इसे औंधा कांटा भी बोलते हैं। औंधा कांटा अपामार्ग औषधि है, कई तरह की बीमारियों में काम आती है। अभी मैं वैद्य की नहीं बता रहा हूँ। उस अपामार्ग की औषधि के लिए आप नीचे से ऊपर करोगे तो आपको एक भी कांटा नहीं लगेगा, और ऊपर से नीचे हाथ लाओगे तो हाथ भिज जाएंगे। बस संसार के जितने भी विषय हैं ना, ये सब अपामार्ग हैं। इनको आप ऊर्ध्वगामी दृष्टि रख करके नीचे से ऊपर उठने के प्रयास की दिशा में करोगे, सुरक्षित रहोगे और अधोमुखी बनोगे, उलझ करके रह जाओ। तो हमें अधोमुखी नहीं ऊर्ध्वमुखी बनना है, बड़े लक्ष्य को लेकर के चलना है, जिससे अपने जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके। समय आप सबका हो गया, तो निष्कांक्षा तक पहुंचने के लिए अभी हमें क्या करना है? भोगाकांक्षा को मंद करना है और दुराकांक्षा से मुक्त होना है। यही हमारे जीवन का साध्य और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवासी विद्यासागर जी महाराज।